गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे। अभी मैं पहुँचा हूँ यहाँ ब्यामा, इस जगह का नाम है ब्यामा और ये सिंधु नदी। तो आप सोच रहे होंगे ये क्या बना यहाँ पे, और भैया जी यहाँ पे वेट कर रहे हैं मेरा। लद्दाख में ऐसी जगह भी है जहाँ सनसेट इतनी जल्दी होता है। आप देख सकते हैं टाइम बच गए, सनसेट होने वाला है, बस यहाँ हो गया सनसेट। आप देख सकते हैं अभी हम पहुँचने वाले संजक गांव। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये जो ब्रिज है, एक बॉर्डर है दो डिस्ट्रिक्ट के बीच में। ब्रिज के उस पार है कारगिल, ब्रिज के इस पार है लेह। अभी हम पहुँच गए नो मेंस लैंड, ब्रिज हो गया नो मेंस लैंड। बहुत भूख लग रही है। इस गाँव का नाम है संजक। संजक का फेमस मैगी पॉइंट यहाँ पे, इसमें सर प्याज डाला, टमाटर डाला, हरी मिर्ची डाला। इतना साफ पानी सिंधु नदी। सिंधु नदी इस गांव का नाम है ब्यामा। शायद पता नहीं ब्यामा क्यों कहा जाता है, लद्दाखी में ब्यामा बोलते हैं सेंड को, जो रहता होता है सेंड को ब्यामा बोलते हैं लद्दाखी में। तो आप सोच रहे होंगे ये क्या बना है यहाँ पे। हुआ यूँ कि आज से दस शायद 3-4 साल पहले यहाँ फ्लड आया, तो इससे जो सिंधु नदी इसको ब्लॉक कर दिया, तो ये पानी यहीं पर जमा हो गया। तो यहाँ पे जो भी मकान थे यहाँ पे वो सब डूब गए, तो ये पूरा यहाँ पे पानी भर गया। और तो क्या किया कि यहाँ जो रास्ता था वो भी पानी के नीचे चला गया, तो पानी के बीच से रास्ता बनाया। तो आप देख सकते हैं ये रास्ता बनाया था जब यहाँ पे पानी ब्लॉकेज हो गया ये रिवर, तो ये जो मकान है सारे डूब गए। अब क्या है कि जो ब्लॉकेज था उसको हटाया तो पानी को छोड़ा गया, तो फिर से पानी नीचे हो गए पानी का लेवल, और ये मकान फिर से दिखने लगे। तो ये है ब्यामा गांव, इस गांव का नाम है ब्यामा। तो और भैया जी यहाँ पे वेट कर रहे हैं मेरा। वाह, अभी भैया कैसे? तो अभी हम निकल रहे हैं घर की तरफ। लद्दाख में ऐसी जगह भी है जहाँ सनसेट इतनी जल्दी होता है। आप देख सकते हैं टाइम बच गए 1:17, 1:15 बज गए, तो ये सनसेट हो चुका है यहाँ कुछ ही क्षण में सनसेट आपको देखने को मिलेगा। देख सकते हैं ये सनसेट होने वाला है, बस यहाँ हो गया सनसेट। आप देख सकते हैं ये जगह यहाँ पे सनसेट हो चुका है, 1:18 पे सनसेट हो चुका है ये जगह पे। ब्यामा गांव के थे, इस गांव का नाम ब्यामा गांव।
सनसेट हो चुका है। सनराइज हो गया यहाँ पे। हाँ, सनराइज शुरू हो गया फिर से। इतनी ऊंची पहाड़ी ना इसकी वजह से हो रही है। अभी हम पहुंचने वाले संजक गांव। संजक गांव पहुंचने वाले हम। ऑटम सीजन कितना अच्छा लग रहा है। सिंधु नदी। तो अभी हम संजक पहुंचने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो ब्रिज है एक बॉर्डर है दो डिस्ट्रिक्ट के बीच में। ब्रिज के उस पार है कारगिल, ब्रिज के इस पार है लेह। तो ये बॉर्डर है डिस्ट्रिक्ट कारगिल और डिस्ट्रिक्ट लेह का बॉर्डर। अभी हम लेह में, तो जो ही ब्रिज क्रॉस हो जाएगा तो हम पहुँच जाएंगे डिस्ट्रिक्ट कारगिल। तो अभी हम बॉर्डर क्रॉस करने जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर क्रॉस करेंगे अभी हम। तो अभी हम लेह के अंदर अभी हम पहुंच गए नो मैन्स लैंड, रीच हो गए नो मैन्स लैंड। तो हम पहुंच गए डिस्ट्रिक्ट कारगिल के अंदर। अब हम आ गए डिस्ट्रिक्ट कारगिल के अंदर। मैगी खाएंगे, बहुत भूख लग रही है। अगेन पॉइंट, अगेन पॉइंट। पार्किंग स्पेस चेक कर रहे हैं, ये भी सेंट्रोलिया पर, सेंट्रोलिया पर। तो अभी हम यहाँ पे मैगी खाएंगे। इस गांव का नाम है संजक। संजक गांव। तो हम आ गए संजक गांव में। चलो। तो मालिक का मैगी, तो मैगी सामने आदि खाएंगे मैगी। ठुलो था बस मैगी फुल खाएंगे हम अभी यहाँ पे। तो यहाँ पे भैया जी बना रहे हैं हमारे लिए मैगी। संजक का फेमस मैगी पॉइंट यहाँ पे। तो क्या क्या डाला भैया आपने इसमें? इसमें सर प्याज डाला, टमाटर डाला, हरी मिर्ची डाला। संजक मैगी पॉइंट। तो जिसको भी मैगी खाना हो यहाँ, जब भी संजक पहुँचे तो ज़रूर ट्राई कर लियो यहाँ पे मैगी। बस खुशी पल में तैयार होने वाला है मैगी। मैगी भी तंगा ठुलता मेरा समय ना। मैं तो एक, एक। इसमें तो मैगी तैयार हो चुका है यहाँ पे। मजा आ गया मुझे खाने।